हे गाइस, आ चुके हैं एक और न्यू व्लॉग के साथ। और आज के इस व्लॉग में हम करने वाले हैं एक चैलेंज, और उस चैलेंज में करने वाले हैं हम अपना होल टर्म 2 सिलेबस को कंप्लीट, वो भी सिर्फ और सिर्फ 5 दिनों में। तो आज है डे 1, और डे 1 में हम कंप्लीट करने वाले हैं इंग्लिश के सिलेबस को। तो चलिए फटाफट से नोट आउट कर लेते हैं इंग्लिश के सिलेबस को। तो इंग्लिश में हम करने वाले हैं सभी चैप्टर्स के समरी, वो भी अरिहंत के बुक से, ऑल इन वन वाला बुक से। और उससे हम करने वाले हैं हर एक चैप्टर की समरी, क्योंकि अगर हम लोग NCERT पढ़ने जाएंगे तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। और अगर हम लोग समरी पढ़ लेते तो हमको बहुत ज़्यादा अच्छा खासा एक व्यू मिल जाता है पूरे चैप्टर का। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं कंप्लीट करने वाला हूँ हमारा बुक फर्स्ट फ्लाइट, एंड देन कंप्लीट करूँगा मैं लेटर राइटिंग, और उसके बाद मैं कंप्लीट करने वाला हूँ फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। और अगर आप लोगों को भी सिलेबस कंप्लीट करना है बहुत आसानी से और बहुत जल्दी में किसी भी सब्जेक्ट का, तो आप मोस्टली उसके समरी पे ध्यान दीजिए। मतलब इंग्लिश और हिंदी में तो आप समरी पे ही ध्यान दीजिए, बाकी अगर कोई थियोरेटिकल या फिर प्रैक्टिस वाला सब्जेक्ट है तो उसमें तो आपको टाइम लगेगा ही। मगर अगर आप लोगों को एक बेसिक आइडिया चाहिए कि कैसे चैप्टर को समझा जाए और क्या है पूरे चैप्टर में, तो उसके लिए समरी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। और समरी बहुत कम टाइम में भी बहुत अच्छा खासा हमें आइडिया दे देता है पूरे चैप्टर के बारे में। बाकी मैंने इस बार ओसवाल का सैम्पल पेपर लिया है। आप लोग कौन से सैम्पल पेपर लेने वाले हो या फिर ले लिए हो वो आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हो। और अगर आप लोगों को भी सैम्पल पेपर लेना हो या फिर ओसवाल का सैम्पल पेपर लेना हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, आप ले सकते हो या फिर चेकआउट कर सकते हो। तो मुझे पूरे फर्स्ट फ्लाइट के समरी को ख़त्म करने में लगा है कम से कम 2 से 2.5 घंटा। और इस 2 से 2.5 घंटे में मैंने पूरा समरी कंप्लीट किया है, और मतलब समरी को अच्छे से समझ के कंप्लीट किया है। तो हाँ, एक बेसिक व्यू तो मुझे बहुत अच्छा खासा मिल ही चुका है चैप्टर का, और क्वेश्चन आंसर याद करके हम बहुत अच्छा खासा ला ही सकते हैं। बाकी अब सैम्पल पेपर प्रैक्टिस रह गया है, जो कि मैं आपको किसी और वीडियो में दिखाऊँगा।
अंदाजा बना सकते हो कि आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है। अब मैं प्रैक्टिस करने वाला हूँ लेटर राइटिंग का, और लेटर राइटिंग बहुत ही ज़्यादा मतलब इजी है। बस उसका एक बेसिक फॉर्मेट पता होना चाहिए और कुछ बेसिक बातें, क्योंकि लेटर राइटिंग हम 20 से 25 मिनट में आराम से याद करके उसको समझ के एकदम अच्छे से लिख सकते हैं। तो लेटर राइटिंग के लिए ज़्यादा टेंशन वाली बात है नहीं। और रात में मैंने कंप्लीट किया था बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल अच्छा लगा हो या फिर चैनल से आपको कुछ भी सीखने या फिर कुछ भी मोटिवेट हुए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपकी इच्छा हो तो। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। स्टे ट्यून्ड, स्टे क्यूरियस, स्टे सेफ, हेल्दी। बाय बाय।